अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। ऐसा लगता है कि यहां पर बीजेपी में अंदरूनी खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब यहां बीजेपी के एक एमएलसी ने ही परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठा दिया है। देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, एमएलसी हैं, मुख्य सचिव को उन्होंने चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। और महत्वपूर्ण बात यह कि ये बीजेपी के हैं, बीजेपी के एमएलसी। पीसीएस परीक्षा में कॉपी बदलने की भी बात इन्होंने कही है कि यह धांधली हुई है और प्रतिभाशाली छात्रों का हक मारा गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, मतलब ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुश्किलें कम नहीं हो रही, लगातार अपनों के ही निशाने पर है सरकार। शरीन, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है जो उठाया है बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने। उन्होंने नियम 115 के तहत विधान परिषद के सचिव को चिट्ठी लिखी, सूचना दी और उसके बाद ये मुद्दा उठाया है और क्लियर इस मुद्दे में कहा है कि पीसीएस जे परीक्षा में 50 परीक्षार्थियों की कॉपी बदलने का मुद्दा है, उनके हक पे डाका डाला गया है, धांधली हुई है और उन्होंने एसटीएफ से और एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। ये वही देवेंद्र प्रताप सिंह, मैं बताऊं, जिन्होंने इसके पहले उठाया था जो डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा है, इन्होंने उठाया था और इनके मुद्दे के बाद काफ़ी शोर हुआ था और सरकार इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर भी हुई थी। तो एक बार फिर से देवेंद्र प्रताप सिंह ने और विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया है, सरकार के बीजेपी का ही हिस्सा है, एमएलसी है, इसलिए ये मुद्दा जाहिर सी बात है गरमाने जा रहा है और इसको विपक्षी दल भी लपकेंगे, अब इसमें दो राय नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।